गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न मास ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, इन दिस क्लास आई विल टीच यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड डिवीजन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स, there are two topics in this class and mixed word problems in both topic. Okay students, in this topic the process of multiplication in measure of mass is the same as that natural numbers. जो आपका process है multiplication का, आपने जो पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही सेम है। बट आपको इसमें अगर ग्राम दिया है तो ग्राम हम लोग इंक्लूड करेंगे आफ्टर डिजिट्स, एंड अगर केजी दिया हुआ है तो केजी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे आफ्टर डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी केजी और ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे मल्टीप्लाई या डिविजन करने के बाद। ओके, ऑब्जर्व सेम एग्जाम्पल गिवन बिलो। फर्स्ट एग्जाम्पल 290 by 3। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। ओके, बाय उस 290 को 3 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट यू अरेंज इन कॉलम, आप पहले इसे कॉलम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 219 मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, 219 मल्टीप्लाई 3, इन अपर साइड यू राइट जी। ओके स्टूडेंट्स, यू राइट जी, दिस इज द ग्राम, दिस इज द ग्राम, देयर आर टू यूनिट्स ऑफ मास, ग्राम एंड केजी, ग्राम एंड केजी एंड ग्राम एंड किलोग्राम। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास। स्टूडेंट्स फर्स्ट यू मल्टीप्लाई वंस प्लेस, 9 3 27, राइट 7, कैरी 2, 3 1 3 एंड 2 5। ओके, एंड 3 2 6। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेचुरल नंबर प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, आफ्टर दैट यू राइट ग्राम आफ्टर डिजिट्स। ओके, योर आंसर इज कॉम्प्लीकेट, योर आंसर इज कॉम्प्लीकेट। स्टूडेंट्स दिस इज द वेरी सिंपल। ओके, वर्ली मल्टीप्लाई एंड राइट ग्राम। ओके, अदर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस नंबर डी ऑफ एग्जांपल 15 kg, 15 kg एंड 275 ग्राम बाय 2, मीन्स 2 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट यू राइट केजी इन ग्राम इन कॉलम, फर्स्ट यू राइट केजी इन ग्राम। ओके, यू राइट अपर साइड लोअर साइड 15, ओके, एंड ग्राम 275 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 5 2 10, 0 1, 7 2 14, 1 15, कैरी 1, 2 2 4। ओके स्टूडेंट्स, एंड फर्स्ट टू मल्टीप्लाई ग्राम, आफ्टर डेट टू मल्टीप्लाई केजी, 5 2 10, 2 1 2, 1 3। ओके स्टूडेंट्स, यू राइट ग्राम, यू राइट ग्राम सॉरी 2 2 4 1 5, यू राइट ग्राम आफ्टर 515 एंड राइट केजी आफ्टर 13 kg, योर आंसर इज 30 kg 550 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, यू डू इट एक्सरसाइज 11A।
ओके. इन दिस एक्सरसाइज यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन क्लास टाइम. ओके, देयर आर मेनी एग्जाम्पल इन योर बुक्स. एंड आफ्टर दैट द टॉपिक मीजर ऑफ मास, डिवीजन इन मीजर ऑफ मास मीन्स आपको मास का हम लोग डिवीजन इसमें फाइंड आउट करना है. द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन मीजर ऑफ मास इज द सेम एज दैट द नेचुरल नंबर. इसका भी प्रोसेस आपका सेम ही है. जैसे हम लोग नेचुरल नंबर का डिवीजन करते थे वैसे ही हम लोग मीजर ऑफ मास में मास का ही डिवीजन करेंगे. लेकिन आफ्टर दैट टू फाइंड डिवीजन एंड राइट केजी एंड ग्राम यूनिट्स इन आंसर. ओके, लेकिन हमको आंसर में केजी एंड ग्राम को इंक्लूड करना है. ओके, अगर ग्राम है तो ग्राम को इंक्लूड करना है, अगर केजी है तो केजी को इंक्लूड करना है आफ्टर डिजिट्स एंड डिजिट्स के बाद. बाकी सब प्रोसेस जो है आपको नेचुरल नंबर की तरह ही होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो एंड सी द एग्जांपल ऑफ डिवीजन. डिवीजन मीन्स मास ऑफ, डिवीजन ऑफ मास मीन्स द्रव्यमान का जो डिवीजन हो जाए. फर्स्ट एग्जाम्पल 2 to 5 ग्राम बाय 3 मीन्स आपको 225 ग्राम को 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है. क्या करना है, डिवाइड करना है. ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट 1 kg has 1000 ग्राम एंड एनी एड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मास यू वुड डू इट इन सेम यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका ग्राम है और एक केजी है तो हम लोग क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके तब उसे ऐड करेंगे. ओके, यानी सेम यूनिट में भी कोई वर्क होता है. ओके, इन मास में यानी द्रव्यमान में अगर सेम यूनिट में कोई होगा तो उसका वर्क होगा. यह मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ. कोई भी वर्क करना है अगर दो यूनिट्स दिए गए हैं तो इन दोनों एक यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे. आफ्टर डेट कोई हम लोग वर्क करेंगे. ओके, इन दिस क्वेश्चन 225 by 3 हमें क्या करना है, ग्राम को 3 से डिवाइड करना है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू राइट अपर साइड ग्राम. ओके, एंड डू इट डिवीजन प्रोसेस 3, 2, 5. ओके, 2, 5. फर्स्ट नंबर इज स्मॉल देन 3. यू टेक 2 numbers, यू राइट 7, 3 are 21. ओके स्टूडेंट्स, राइट 1, 5 एंड 5, 3 are 15. ओके स्टूडेंट्स, योर आंसर इज 75. आफ्टर डेट यू राइट 75 ग्राम. ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ इन योर बुक्स एक्सरसाइज 11A डिवाइड क्वेश्चन नंबर टू 14 kg 320 by 2. ओके स्टूडेंट्स, यानी 14 kg and 320 ग्राम को हमें 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है. हमें 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है. स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राम एंड दिस इज द केजी. इन प्रीवियस वीडियो आई से यू प्लीज कन्वर्ट इन सेम यूनिट, प्लीज कन्वर्ट इन सेम यूनिट. दैट टाइम आई कन्वर्ट केजी इन ग्राम 14 × 1000. ओके, एंड राइट ग्राम एंड प्लस 320 ग्राम. ओके स्टूडेंट्स,
बिकॉज 1 kg हैज 1000 ग्राम, 1 kg हैज 1000 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, 40,000 ग्राम प्लस 320 ग्राम, ग्राम ग्राम, दिस इज द सेम यूनिट, दिस इज द सेम यूनिट। आफ्टर यू एड बोथ ग्राम 0, 2, 3, 1, 14 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, 14,320 ग्राम्स। ओके आफ्टर दैट यू डिवाइड, डू इट डिवाइड प्रोसेस, डू इट डिवाइड प्रोसेस 14,320 बाई 2। ओके एंड राइट ग्राम 7, 2 जा 14। ओके स्टूडेंट्स राइट 3, 3 1 जा 2 1 जा 2 1 2, राइट 6, 2 एंड राइट 0 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स राइट 0 एंड 0। आफ्टर दैट 7,160 ग्राम यू चेंज इन। ओके स्टूडेंट्स योर आंसर इज इन ग्राम, योर आंसर इज 14,320 ग्राम। यू डू इट, यू डिवाइड आफ्टर टू 14,320 ग्राम फर्स्ट यू डिवाइड बाई 7, 14 राइट 3, 1, 2, 1, 2 राइट 6, 2 एंड 0, 0। ओके स्टूडेंट्स योर आंसर इज 7,160 ग्राम। स्टूडेंट्स 7,160 ग्राम यू चेंज इन केजी एंड ग्राम, यू राइट यू वॉन्स टेन्स हंड्रेड प्लेस इज कल्ड ग्राम एंड 1000 प्लेस इज कल्ड केजी, हियर आउट राइट 7 kg and 160 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स आपको जो आंसर आया है अगर इसको चेंज करना है आपको केजी और ग्राम में, तो आफ्टर 3 डिजिट्स माने 3 right to left में आपको 3 डिजिट के बाद वाले को ग्राम हम लोग कहेंगे और उसके बाद वाले को हम लोग केजी कहेंगे, तो आपका राइट आंसर होगा 7 kg 160 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स अगर इनकी चेंज करेंगे हम लोग ग्राम को 116 को, तो हमें क्या करना है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1, तो यहां मेरा क्या होगा डेसिमल होगा, तो जो डेसिमल के बाद वाले होंगे वो ग्राम होंगे, क्या होंगे ग्राम। ओके स्टूडेंट्स तो योर राइट आंसर इज 7 kg 160 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स डू इट एक्सरसाइज 11A एंड मिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 11A। फर्स्ट आई बॉट 7 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट इच वे 2 kg 375 ग्राम, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द बिस्कुट। 7 को 2 kg और 375 ग्राम में मल्टीप्लाई कर देना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 kg 275 ग्राम ऑफ डालडा इज मिक्स विद प्योर घी, द वेट ऑफ द मिक्सचर इज 34 kg 105 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द प्योर घी। इन दिस क्वेश्चन 34 kg 105 ग्राम में से आपको 5 kg 275 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 3, 25 kg 630 ग्राम ऑफ शुगर वाज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 5 men इज एज ए रिलीफ, हाउ मच डी ईच गेट। स्टूडेंट्स 25 kg and 630 ग्राम शुगर को आपको 5 से क्या करना है डिवाइड कर देना है, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 को 5 से डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, द डेली
consumption of rice in a hostel is 35 kg and 750 gram. Find the total consumption for a week. यानी एक दिन में आपको 35 kg 750 ग्राम क्या किया जाता है, एक हॉस्टल में दिया जाता है, तो 7 दिनों में कितना दिया जाएगा, तो आपको 35 kg एंड 750 ग्राम में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्वेश्चन नंबर 4 को. ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड डू इट व्हाट्स प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 5, रोशन वेट 35 kg एंड 275 ग्राम एंड हर सिस्टर इज 6 kg एंड 97 ग्राम हैवियर देन हिम. रोशन का वेट आपको 35 kg 270 ग्राम है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है यानी बहन है उससे 6 kg 975 ग्राम क्या है, ज्यादा है. फाइंड द सिस्टर वेट, द सिस्टर का वेट क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 को 35 kg में एंड 270 ग्राम में 6 kg 970 ग्राम को क्या करना है, ऐड कर देना है. ओके क्वेश्चन नंबर 6, संजीव इज 5 kg एंड 375 ग्राम हैवियर देन हिज ब्रदर. संजीव क्या है, अपने भाई से 5 kg और 378 ग्राम क्या है, ज्यादा है. इफ संजीव वेट इज 51 kg एंड 200 ग्राम, अगर संजीव का वेट आपको 51 kg और 200 ग्राम है, तो फाइंड द वेट ऑफ द हिज ब्रदर. तो इसे भी क्या करना है आपको कि 51 में 51 kg एंड 200 ग्राम में आपको 5 kg एंड 378 ग्राम को ऐड कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ए कूली कैन कैरी 29 kg एंड 650 ग्राम ऑफ वेट इन हिज इच हैंड. यानी आपके एक हाथ में वो 29 kg 600 ग्राम वेट क्या करता है, कैरी करता है. हाउ मच कैन बी कैरी एट ए टाइम बाय हिज बोथ हैंड्स. अब दोनों में आपको कितना करेगा, एक में आपको 29 kg है एंड 650 ग्राम है, तो दोनों में कितना करेगा, आपको क्या करना है 29 में एंड 29 kg में 29 kg 650 ग्राम में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल वेट ऑफ 8 बैग्स ऑफ शुगर इज 874 kg एंड 130 ग्राम टोटल वेट है आपका. इफ ऑल बैग्स वेट इक्वल, फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग्स. इन दिस क्वेश्चन यू 870 kg ग्राम 130 ग्राम केजी 130 ग्राम में 8 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी सिंपल. एंड क्वेश्चन नंबर 9, ए शॉपकीपर सोल्ड 75 केजी 340 ग्राम ऑफ शुगर इन ए डे. एक दिन में आपको शॉपकीपर कितना बेचता है, 75 केजी और 340 ग्राम. नाउ ही हैड 120 केजी 875 ग्राम इन हिज शॉप. अब उसके पास आपको 122 केजी और 875 ग्राम उसके दुकान में, हाउ मच शुगर ही हैड. ओके अब उसके पास कितना शुगर क्या हुआ बचा, तो आपको 120 केजी में 875 ग्राम में से 75 केजी और 340 ग्राम को क्या करना है, 340 ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स, यानी बड़ा में से छोटा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है. वी सब्ट्रैक्ट 120 kg 875 ग्राम में से आपको 75 kg 340 ग्राम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 9 को. एंड क्वेश्चन नंबर 10, द वेट ऑफ वन बैग ऑफ राइस इज 85 kg एंड 950 ग्राम फाइंड द वेट ऑफ 12 सच बैग्स. इन दिस क्वेश्चन यू मल्टीप्लाई 85 kg 905 ग्राम बाई मल्टीप्लाई बाई 12, यानी ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 12 से. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यू डू इट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मास. इफ है यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन क्लास टाइम. स्टूडेंट्स यू मल्टीप्लाई डिवीजन मेथड सेम यू डू इट नेचुरल नंबर्स, बट आफ्टर यू डू इट यू राइट आफ्टर डिजिट kg एंड ग्राम. अगर ग्राम दिया है तो ग्राम लिखेंगे, अगर केजी दिया है तो केजी देंगे. अगर आपको दोनों आपको यूनिट्स दिए गए हैं तो एक यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करके सेम यूनिट में करेंगे और उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर हम उसे केजी और ग्राम यूनिट में चेंज कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन क्लास टाइम, थैंक यू सो मच.